सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के। तो दोस्तों मेरा नाम है अहसन अली और आप देख रहे हैं टेक सर्वाइवल। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस फ्रेंड्स, यहां पर मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं बीटा ग्लोबल अपडेट को लेकर, और उसके साथ बात कर लेते हैं यहां पर स्टेबल अपडेट को लेकर। भाई यहां पर ये जो अपडेट है अब हमें नहीं मिलने वाली है। यहां पर बात कर लेते हैं कि क्यों नहीं मिलने वाली। अगर तो आप भी भाई एक ग्लोबल बीटा अपडेट मतलब के यूज़र हैं, या उसके साथ अगर आप स्टेबल अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आपको अपडेट कब तक देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर आप इस वीडियो को एंडिंग तक देख लीजिए, क्योंकि मैं आज आपके साथ यही सब कुछ बातें डिटेल के साथ करने वाला हूँ और पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको अपडेट कब तक देखने को मिलेगी और आपको अपडेट अभी क्यों नहीं देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो क्लोज बीटा मतलब बीटा यूजर्स होते हैं उनको जो अपडेट होती है एक देखने को मिलती है मंडे को हमेशा, और उसके बाद देखने को मिलती है थर्सडे को, उसके बाद फ्राइडे को, तो वही अपडेट उनको बीटा यूज़र में देखने को मिल जाती है। और ऐसा ही अब हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे लिए जो अपडेट है वो सस्पेंड कर दी गई है, और यहाँ पर ये जो अपडेट है ये 4th की गई है सस्पेंड, और 7 डेट तक है अप्रैल की। तो यहाँ पर लिखा गया है दी हॉलीडेज ऑफ किंग गेमिंग फेस्टिवल इज कमिंग। फ्रेंड्स यहाँ पर जो चाइना का कोई फेस्टिवल है वो आ रहा है, जो कि 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक है। दी शेड्यूल फॉर अपडेटिंग दी ग्लोबल बीटा रूम MOA 10 विल बी एडजस्टेड, प्लीज़ नोट दी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो अपडेट है वो हमारे लिए सस्पेंड कर दी गई है, जो कि है 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। तो यहाँ पर भाई अगर तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपको कोई भी अपडेट वगैरह देखने को मिल जाती है, हाँ अगर तो भाई उनके पास पहले से कोई अपडेट वगैरह रेडी पड़ी है, मतलब कि उनके बग वगैरह थे वो ख़त्म हो गए हैं, तो उसके बाद ही आपको अगर वो लॉन्च करना चाहते थे मतलब के, तो हो सकता है वो जो अपडेट है फिर आपको देखने को मिल सकती है। मगर यहाँ पर अगर आप बीटा अपडेट की बात कर रहे हैं या रेडमी Y2 या S2 या ऐसी कुछ डिवाइसेस की, कि भाई यहाँ पर आप एंड्रॉयड पाई को लेकर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपडेट देखने को नहीं मिलेगी, जो कि 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मैं क्लोज बीटा यूज़र की बात करूँ, तो यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट स्टेबल अपडेट है वो है 9.4.4 की, जो कि टेस्टर के लिए हमारे लिए रिलीज़ की जाती है, जो कि की जाती है हमारे लिए मतलब के यहाँ पर मंडे से की जाती है, और फिर थर्सडे को दी जाती है, जहाँ पर उन्हें भी देखने को नहीं मिलेगी। ये उन्हें अपडेट देखने को मिलेगी 7 जो कि है 7-8 अप्रैल से, उसके बाद हमें 11 अप्रैल को देखने को मिलेगी, और उसके बाद हमें देखने को मिल सकती है सभी यूज़र में। और उसके बाद अगर मैं आपके साथ पब्लिक बीटा की बात करूँ, तो यहाँ पर उन्हें भी देखने को नहीं मिलेगी, 9.4.4 की अपडेट सस्पेंड कर दी गई है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपके साथ बात करूँ, यहाँ पर आफ्टर अप्रैल 8, 2019 की, तो यहाँ पर लिखा गया है दी अपडेट क्लोज बीटा एंड पब्लिक बीटा विल बी रेज्यूम फ्रॉम 8 अप्रैल 2019। मतलब कि फ्रेंड्स जैसे ही ये जाता है, मतलब कि 8 अप्रैल आती है, उसके बाद जो हमारा पहले से शेड्यूल था, मतलब कि हमें फ्राइडे को अपडेट वगैरह देखने को मिलती थी, तो वैसे ही हमें देखने को मिलेगी, कोई भी इसमें चेंजेस वगैरह नहीं आएंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके साथ अगर आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।